हेलो फ्रेंड्स, मैं साहिल शामकुअर। आज मैं आपको एक नई वीडियो लेके आया हूँ। इसमें मैं आपको बताऊँगा कि आपको जो डिग्री सर्टिफिकेट लेनी है कॉन्वोकेशन में, उसका फॉर्म कहाँ पे मिलेगा। ओके, तो पहले हमें किसी भी ब्राउज़र में जाना है, वहाँ पे डॉक्टर PDKV अकोला ऐसा सर्च करना है। जैसे हम आपको ऐसी लिंक आ जाएगी, ऐसा पेज ओपन हो जाएगा। फिर आप वेबसाइट पर जाइए, डॉक्टर पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ के वेबसाइट पे जाने के बाद आपको ऐसी एक वेबसाइट दिखेगी। फिर आप हमें यहाँ पे इंटीग्रेटेड यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट सिस्टम में जाना है, जो आपके लेफ्ट साइड में, वेबसाइट के लेफ्ट साइड में है इंटीग्रेटेड यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट सिस्टम। हमें इसे क्लिक करना है। जैसे ही हम यहाँ पर आए, हमको यहाँ पर देखने को मिलेगा क्लिक हेयर टू डाउनलोड PDKV फॉर्म्स। तो हमें इस पर क्लिक करना है। जैसे हम ये क्लिक करेंगे, हमें ऐसी एक विंडो ओपन होगी, अप्लीकेशन फॉर्म फॉर एनरोलमेंट, अप्लीकेशन फॉर रिवॉल्यूशन और रिटोटलिंग, अप्लीकेशन फॉर्म फॉर माइग्रेशन, चालान फॉर ऑफलाइन पेमेंट और डिग्री सर्टिफिकेट। हमें डिग्री सर्टिफिकेट चाहिए, तो हम डिग्री सर्टिफिकेट पे क्लिक करेंगे। तो देखिए, एक ऐसा फॉर्म आ जाएगा आपके आगे। ये फॉर्म आप डाउनलोड कर लीजिए। और फिल करके भेज दीजिए। देखिए, हमें यहाँ क्या क्या भरना है। हमें सबसे पहले यहाँ पे अपनी डिग्री फॉर विच अप्लीकेशन इज़ मेड, हमें यहाँ पे BSc एग्री करना है, या फिर आपकी जो भी ब्रांच होंगी, आप जो भी PDKV के स्टूडेंट्स हो, आपकी जो भी ब्रांच होंगी उसके ऊपर टिक कीजिए। फिर इन पर्सन आपको खुद आप लेने वाले हो, या फिर आप एब्सेंट रह के घर पे मंगवाने वाले हो, उसके हिसाब से आप बॉक्स में टिक कीजिए। फिर आपका नाम, यहाँ पे आपका नाम लिखिए पूरा। उसके बाद आधार नंबर, फिर आपका ईयर ऑफ एडमिशन, जैसे PDKV यूनिवर्सिटी में सीरीज़ होती है, तो मेरी सीरीज़ है NNN, तो मेरा एडमिशन ईयर है 2015-16, तो मैं यहाँ पे ईयर ऑफ एडमिशन 2015-16 लिखूँगा। मंथ एंड ईयर ऑफ डिग्री कंप्लीशन, वो आपको लिखना है आपकी डिग्री कब कंप्लीट हुई है। फिर आपका सब्जेक्ट फॉर PG कैंडिडेट्स ओनली, अगर आप PG में एडमिशन ले चुके हो तो आप कौन से सब्जेक्ट में एडमिशन ली है वो, आपका एनरोलमेंट नंबर, फिर आप कौन से कॉलेज से हो, नेम ऑफ कॉलेज, फिर आप मेल हो या फीमेल हो उसके हिसाब से क्लिक कीजिए, आपका CGPA डालिए, फिर आपका एड्रेस, पिन कोड, ईमेल, फ़ोन नंबर, अमाउंट ऑफ फीस पेड। यहाँ पे आपको, जैसे अभी आप अगर कॉन्वोकेशन में प्रेजेंट रहने वाले हो डिग्री लेने के लिए, तो आपको 1000 रुपीज़ भरना है, और आप अगर एबसेंट रहने वाले हो तो आपको 1500 पे करना पड़ेगा। फिर ऑनलाइन पेमेंट, अगर आप ऑनलाइन पेमेंट करते हो तो फिर उसकी ट्रांजैक्शन का नंबर और डेट आपको यहाँ पे क्लिक कर लिखना पड़ेगा। फिर यहाँ पे प्लेस और सिग्नेचर ऑफ द एप्लीकेंट। उसके पहले आप ये जो फॉर्म है उसका सब पढ़ लीजिए, इंस्ट्रक्शंस क्या क्या है, कैसे कैसे हैं, और तभी ये आपकी चालान की बैंक की कॉपीज़ होती है। अगर आप यूनिवर्सिटी में आके पे करना चाहते हो बैंक में, तो आपको ये चालान की कॉपी प्रिंट करनी पड़ेगी। इफ़ अगर आप नहीं आ सकते हो तो आपको ऑनलाइन पेमेंट करना पड़ेगा, जो कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, इत्तिला चाहता हूँ, बाय बाय।